भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में जारी लॉकडाउन के बीच बैंकों, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए 1,00,000 करोड़ रुपए की नकदी देने की व्यवस्था की है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बढ़ाने के लिए शुक्रवार को कई ऐलान किए हैं। कोरोना संकट के बीच भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास मीडिया से मुखाबित हुए। इस वजह से भारतीय शेयर बाजार ने जबरदस्त उछाल लगाई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1000 अंक मजबूत होकर 31,500 अंक के पार कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी करीब 250 अंक की मजबूती के साथ 9,300 अंक तक पहुंच गया। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 13,000 को पार कर गया है। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 13,387 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें 437 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात है कि अब तक 1,749 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में अभी 11,201 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 62 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 1,640 हो गई है। पहले के मुकाबले लगातार पिछले 3 दिन से दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी है। सोमवार को रिकॉर्ड 356 मामले सामने आए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लंबे समय के बाद अपने ऑफिस लोकभवन में बैठक की। अपनी कोर टीम के साथ बैठक में सीएम योगी ने राशन कार्ड नहीं होने पर भी खाद्यान्न उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने की नसीहत देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण को छुपाने वालों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाए। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। पत्र में महासचिव ने कहा है कि कोरोना महामारी ने आज ज्यादातर क्षेत्रों की कमर तोड़ दी है। प्रदेश का हर एक तबाह इस आपदा और इसके आर्थिक और सामाजिक दुष्प्रभावों से परेशान है। कोरोना आपदा की वजह से कई ऐसे आर्थिक और सामाजिक स्तर के मुद्दे हैं जिन पर तुरंत ध्यान देने से आम जन बहुत राहत मिलेगी। एक तरफ कोरोना वायरस से पूरी दुनिया ठहर सी गई है, हर कार्यक्रम कैंसिल है और लोग घरों में कैद है। दूसरी तरफ कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसडी कुमार स्वामी के बेटे निखिल की आज शादी है। लॉकडाउन के दौरान हो रही इस वीवीआईपी शादी पर कर्नाटक सरकार की खास नजर है। सरकार पूरी शादी की वीडियोग्राफी कराएगी। यूपी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन की घटिया दवा के बाद अब पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट भी सवालों के घेरे में आ गई है। कॉरपोरेशन ने जो किट मेडिकल कॉलेजों में भेजी है वह बेकार क्वालिटी की निकली। इसकी शिकायत नोएडा के निदेशक व मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य ने किट की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए हैं। शिकायत के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग के महानिदेशक ने किट के उपयोग पर रोक लगा दी है। मुरादाबाद में एक बार फिर कोरोना के 11 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। 14 तारीख को 67 लोगों के सैंपल भेजे गए थे, जिसमें से 11 की जांच रिपोर्ट में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों में 6 पुरुष हैं, जबकि 5 महिलाओं में भी कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि मिली है। अब जिले में कोरोना के कुल 30 मरीज हो चुके हैं। प्रशासन की सख्त चेतावनी के बावजूद विकासनगर की कालजी की सहिया सब्जी मंडी में लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, जिस पर एसडीएम चक्राता का पारा चढ़ गया और एसडीएम ने अचानक मंडी पहुंचकर व्यापारियों को जमकर फटकार लगाते हुए कड़ी कार्रवाई अमल में लाए जाने की बात कही है। अभी तक खुद सामने न आने वाले जमातियों के साथ ही इन्हें शरण देने वालों के खिलाफ भी सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने ऐसे लोगों पर भी अब मुकदमा दर्ज करने का निर्णय लिया है जिन लोगों ने जमातियों को शरण दी है। प्रदेश में 1 अप्रैल के बाद कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिली है। इनमें सबसे अधिक मामले जमातियों में पाए गए हैं। कन्नौज के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में जिला प्रशासन बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना वॉरियर्स के रूप में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले सफाई कर्मचारियों को जिला प्रशासन ने फटे हुए दस्ताने दिए हैं। वहीं बिना किसी सुरक्षा किट के कोरोना क्षेत्र के हॉटस्पॉट में सफाईकर्मी काम कर रहे हैं। सफाईकर्मियों ने खुद वीडियो बनाकर अपना दर्द बयां किया है। इसी गांव में कोरोना पॉजिटिव के 4 मामले सामने आए थे।
बुलंदशहर के नगर पंचायत ककोड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहां की सब्जी मंडी में लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। मंडी में लोग बिना मास्क पहने सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ककोड़ सब्जी मंडी में सुबह 3 बजे से ही लोगों की भीड़ उमड़नी शुरू हो जाती है, लेकिन कोई पुलिसकर्मी वहां मौजूद नहीं रहता है। लॉकडाउन में पीएम और सीएम जनता को किसी भी कीमत पर राशन देने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनके ही अधिकारी और कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। शाहजहांपुर में गरीब महिला ने कोटेदार पर भिखारी कहने का आरोप लगाया है। साथ ही महिला का आरोप है कि सप्लाई इंस्पेक्टर ने उसके साथ अभद्रता की है। पीड़िता ने कार्रवाई न होने पर आत्महत्या की धमकी भी दी है। लॉकडाउन में सभी लोग अपने घरों में हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कोरोना योद्धा के तौर पर डॉक्टर, सफाईकर्मी सहित कई लोग अपनी जान की चिंता न करते हुए घर के बाहर निकलते हुए हैं। उनकी हौसला अफजाई के लिए वाराणसी के बंगाली टोला क्षेत्र के निवासियों ने आरती उतार गुलाब की पंखुड़ियों से उनका सम्मान किया, ताकि उनका हौसला और बुलंद हो सके। गाजियाबाद के मोदीनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब पर एक महिला बुरखे में दुकान पहुंची और सामान लेने के बाद नोटों पर थूक लगाकर देने लगी। वहीं दुकानदार ने महिला पर कोल्ड ड्रिंक पीकर उसी दुकान के बाहर थूकने का आरोप भी लगाया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग की मदद से महिला को पकड़कर कोरोना की जांच के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हर कोई मदद के लिए आगे आ रहा है और अपना हाथ बढ़ा रहा है। मेरठ के जिला पंचायत अध्यक्ष ने 1,21,00,000 रुपए मुख्यमंत्री कोविड रिलीफ फंड में दान दिए हैं। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत की तरफ से दी जाने वाली ये अब तक की सबसे बड़ी रकम है। जिला पंचायत अध्यक्ष कुलविंदर सिंह ने 1 महीने का वेतन भी दिया है। कोरोना वायरस से छिड़ी जंग में फतह हासिल करने के लिए मिर्जापुर के 809 ग्राम प्रधानों ने 1 महीने का मानदेय दान किया है। ग्राम प्रधानों ने 27,56,000 का चेक जिलाधिकारी को सौंपा है। ये धनराशि मुख्यमंत्री कोविड-19 फंड में दान दी गई है। खटीमा के बाजार चौकी के पास पुलिस ने 12 नेपाली नागरिकों को पकड़ा है, जो रुद्रपुर से पीलीभीत के रास्ते होते हुए रेलवे पटरी से चोरी छुपे नेपाल जा रहे थे। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जहां सभी जिले लॉक हैं, वहीं नेपाल सीमा को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। फिलहाल पकड़े गए 12 नेपाली नागरिकों का मेडिकल स्क्रीनिंग करा, उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया है। लॉकडाउन का दूसरा फेज शुरू हो चुका है। कई लोग ऐसे भी हैं जो बाहर के बने फास्ट फूड खाने के लिए बेताब हो रहे हैं। वहीं मेरठ में लॉकडाउन को ताक पर रखकर सड़क पर एक टीवी कलाकार छोले भटूरे लेने निकल पड़ा। पुलिस की नजर टीवी कलाकार पर पड़ी, जिसके बाद पुलिस ने कलाकार की न सिर्फ चालान काटी बल्कि उससे माफी भी मंगवाई। लॉकडाउन में फरुखाबाद की मेहंदी बाग के ईरानी बस्ती में लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। यहाँ लोग सालों पहले कारोबार के सिलसिले में आए और फिर यहीं के होकर रह गए। ये लोग भारत की नागरिकता ले चुके हैं। यहाँ की मतदाता सूची में भी इनके नाम है, राशन कार्ड भी बने हैं, पर हर बार कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। नतीजन राशन कार्ड निरस्त हो गया, इसलिए राशन कार्ड से गेहूँ चावल भी इनको नहीं मिल रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर जगह जगह लोग पुलिस और पैरामेडिकल स्टाफ का फूल मालाओं पहनाकर उनका सम्मान कर रहे हैं। वहीं काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में एक निजी अस्पताल और पुलिस प्रशासन ने पहले एक दूसरे का फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं सम्मान समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी ख्याल नहीं रखा गया। यही कारण है कि पुलिस और स्वास्थ्य कर्मचारी भीड़ में जाते और कार्यक्रम करते नजर आए। लॉकडाउन से लोगों को हो रही दिक्कतों को देखकर अब नैनीताल के होटल कारोबारी भी आगे आने लगे हैं। नैनीताल के शेरवानी होटल के द्वारा नैनीताल के दूरस्थ क्षेत्र धुंधुखान, सोड, पोगट समेत आसपास के गांवों में खाद्य सामग्री वितरित कर रहे हैं। इस होटल द्वारा क्षेत्र के 70 से अधिक परिवारों को आटा, चावल, दाल, तेल समेत आवश्यक सामग्री बांटी गई है। लॉकडाउन के चलते गरीब लोगों पर रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। महोबा में कुछ गरीब परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि उनके पास राशन कार्ड नहीं है। ऐसे में कुछ महिलाएं इनकी मदद के लिए आगे आई हैं। ये महिलाएं जरूरतमंद लोगों को अपने बचत के पैसों से राशन बांट रही हैं।
बुलंदशहर की छोटी काशी कहे जाने वाली अनूप शहर माँ गंगा घाट लॉकडाउन के चलते पूरी तरह से स्वच्छ और निर्मल हो गए हैं। हर व्यक्ति इसका पानी ग्रहण कर रहा है। नमामि गंगे परियोजना का कहीं ना कहीं गंगा पर असर जरूर दिखा था, लेकिन इस लॉकडाउन के चलते गंगा और ज्यादा साफ हो गई है। उत्तराखंड में कोरोना का खौफ बरकरार है। अब तक राज्य में 37 कोरोना वायरस केसों की पुष्टि हो गई है, जिसके बाद प्रशासन और सख्त हो गया है। जसपुर में यूपी और उत्तराखंड बॉर्डर से सटे उत्तराखंड के लगभग 8 गांवों को सील कर दिया गया है। दरअसल उत्तराखंड बॉर्डर से सटे यूपी के गांव में एक कोरोना का मरीज मिलने के बाद वहां हड़कंप मच गया। कानपुर देहात जिले में कोरोना वायरस के खिलाफ एक शिक्षिका ने जंग लड़ने के लिए योगदान दिया है। शिक्षिका अपने घर में रहकर लॉकडाउन का पालन भी कर रही है और साथ ही खाली समय में अपने घर में 1200 मास्क हर रोज तैयार कर रही है और हर रोज प्रतिदिन जाकर गली मोहल्ले में जरूरतमंदों को फ्री में मास्क दे रही है। मिर्जापुर में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में महिलाएं मास्क बनाने में जुटी हुई है। खादी ग्रामोद्योग विभाग के ऑर्डर पर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मास्क बना रही हैं, जहां लोगों की सेवा के साथ ही यह काम उनकी कमाई का भी जरिया बन गया है। देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी कोरोना टेस्टिंग की संख्या पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। प्रीतम के अनुसार कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हम तैयार नहीं है। देश की जनसंख्या के अनुपात में हमें बहुत कम टेस्टिंग कर पा रहे हैं। पहले अपनी टेस्टिंग की व्यवस्था को हमें दुरुस्त करना होगा। कोरोना का कहर अभी थम नहीं रहा है और ऐसे में उत्तराखंड में चारधाम यात्रा होनी है, जिसको लेकर सरकार असमंजस में दिखाई दे रही है। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के रावल उत्तराखंड पहुंचेंगे तो उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन भी करना पड़ेगा। हालांकि बद्री केदार मंदिर समिति और टिहरी राज परिवार इस पर क्या विचार करते हैं, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। चारधाम यात्रा को लेकर बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र भट्ट ने गाइडलाइन तैयार करके यात्रा को शुरू करने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा राज्य के हजारों लोगों की आर्थिकी का मुख्य स्रोत है, ऐसे में सरकार को यात्रा शुरू करने के लिए विचार करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से चारों धामों के मुख्य पुजारियों का धामों तक पहुंचने का प्रयास किया रहा है। एटा के जैसल में जिला प्रशासन ने अवैध रूप से चलाए जा रहे निजी अस्पताल पर छापा मारा है। यहां ना तो डॉक्टरों के पास डिग्री थी, ना ही हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन। एटा का डिप्टी कलेक्टर के नेतृत्व में मारे गए छापे के बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट में हड़कंप मच गया। छापे के बाद से संचालक सहित कई डॉक्टर्स मौके से फरार हैं। अस्पताल पर कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया गया है। देश में कोरोना जैसी महामारी के से लोगों को बचाने के लिए पुलिस दिन रात काम कर रही है, वहीं लोगों को बीच बीच में जागरूक करने का भी काम पुलिस कर रही है। गाजीपुर के एसपी ओम प्रकाश सिंह ने भोजपुरी गीत के जरिए लोगों को लॉकडाउन का पालन और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अपील कर रहे हैं। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के चांगथांग ग्लेशियर में हुए हिमस्खलन की वजह से गंगोत्री हाईवे पर यातायात बाधित हो गया है। रास्ते को फिर से सुचारू रूप से सही करने के लिए बीआरओ कर्मचारी लगातार बर्फ हटाने में जुटे हुए हैं। वहीं गगननानी और सुनगर के बीच पहाड़ी में भूस्खलन हो रहा है, जिसके हाईवे पर आवागमन ठप हो गया है। गंगा घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में इस बार भारी बर्फबारी हुई है। आज पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की 94वीं जयंती है। चंद्रशेखर की जयंती हर साल मनाई जाती है, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इसे मनाया गया। बीजेपी एमएलसी यशवंत सिंह ने आजमगढ़ में चंद्रशेखर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। लखनऊ में डायल 112 पर तैनात नशे में धुत सिपाही ने राहगीरों और दुकानदारों को बेल्ट से पीटा। लोगों का कहना है कि सिपाही पूरी तरह नशे में चूर था। जो भी सिपाही के सामने आ रहा था वो उसे बेल्ट से पीट रहा था। वही सिपाही का कहना है कि उसने किसी को बेल्ट से नहीं पीटा है।
मुजफ्फरनगर में एक युवती ने थाने में शिकायत कर गांव के ही तीन युवकों पर तमंचे के बल पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। वहीं पीड़िता का कहना है कि आरोपियों ने उसका आपत्तिजनक वीडियो क्लिप बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। पीड़िता ने थाने में 11 अप्रैल को तहरीर दी, लेकिन 5 दिन बाद लापरवाही के चलते वीडियो वायरल करने का मामला पुलिस ने दर्ज किया। पुलिस गैंगरेप के बाद झूठ बता रही है। सहारनपुर में 2 बीघा जमीनी विवाद के चलते युवक ने खरीदार की अपने खेत में ही हत्या कर दी। मृतक खरीदार अतर सिंह ने हत्या आरोपी अंकित की मां से जमीन खरीदी थी, जिसको लेकर ही विवाद था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं आरोपी अंकित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शाहजहांपुर में एक महिला का शव भगुल नदी में बैग के अंदर मिला है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। हत्यारों ने महिला की हत्या कर शव को सूटकेस में बंद कर नदी में फेंक दिया। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकालकर कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। संभल में सब्जी बेचने जा रहे पिता और बेटे को कार ने टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना को अंजाम देने के बाद गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पुलिस ड्राइवर की तलाश कर रही है। उत्तराखंड में गर्मियां जैसे जैसे बढ़ रही हैं, जंगलों में आग की घटनाएं भी उसी अनुपात से बढ़ती जा रही हैं। अभी तक कुल 9 घटनाएं जंगल में आग की सामने आ गई हैं, जिसमें 6.5 हेक्टेयर वन इसका जल गया है। वहीं वनों की आग के चलते अभी तक 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है और 1 गंभीर घायल है। वहीं वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के कोट गांव के पास तेज रफ्तार ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। कार में सवार दोनों युवक उसमें फंस गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर दोनों को बाहर निकाला और दोनों घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया। दोनों युवक गाजियाबाद के बुलंदशहर जा रहे थे। मिर्जापुर के विंध्याचल कोतवाली के रैपुरी गांव में मड़ाई के दौरान निकली चिंगारी से आग लग गई। वहां मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में आग ने ट्रैक्टर थ्रेसर और गेहूं को जलाकर राख कर दिया। फोन करने के बाद दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंची। ग्रामीणों ने ही कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। टोंडा के कटरा बाजार थाना क्षेत्र के कलवारी गांव की में खाना बनाते वक्त रसोई गैस में भीषण आग लग गई। देखते ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास के आधा दर्जन घरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे आधा दर्जन घर जलकर राख हो गए। फोन करने के घंटों बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। स्थानीय लोगों ने आग पर किसी तरह काबू पाया। कोरोना वायरस की जांच में इस्तेमाल होने वाले उपकरण या स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा किट पर उठे सवाल को लेकर चीन ने कहा कि ऐसे सामान उन्हीं कंपनियों से आयात किए जाएं जिन्हें चीन सरकार की ओर से इजाजत मिली हो। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। जैसे जैसे कोरोना लगातार फैल रहा है, इससे नए नए लक्षण सामने आ रहे हैं। हाल ही में कोरोना वायरस से जुड़े नए शोध में खुलासा हुआ है कि अब आंखों के रंग पर भी निर्भर करेगा कि व्यक्ति के अंदर कोरोना वायरस के लक्षण हैं या नहीं। अगर आपकी आंखें गुलाबी हो रही हैं तो भी आप में कोरोना वायरस के लक्षण मिल सकते हैं। दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने पता लगाया है कि आखिर क्यों कोरोना वायरस की चपेट में लोग दोबारा आ रहे हैं। दक्षिण कोरिया में दोबारा कोरोना पॉजिटिव हुए 141 मामलों का अध्ययन किया जा रहा है, जो कोरिया सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की प्रयोगशाला में चल रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक वायरस इंसानी शरीर में मौजूद इम्यून सेल्स यानी कि प्रतिरोधक कोशिकीय लिम्फोसाइट्स पर हमला कर रहे हैं और इन्हें निष्क्रिय कर देता है। खांसी, बुखार, थकान, फ्लू, जुकाम या फिर
एलर्जी कोरोना के लक्षण है, लेकिन अब यूरोप के डॉक्टरों ने कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों में कोरोना वायरस का नया लक्षण देखा है। इस बार जो लक्षण बताया जा रहा है वह बेहद दर्दनाक और भयावह है। डॉक्टरों ने कोरोना से ग्रस्त मरीजों के पैरों में छोटे छोटे घाव और खोजे हैं। उनके मुताबिक यूरोप में भर्ती हो रहे ज्यादातर मरीजों के पैर में ये छोटे घाव देखने को मिल रहे हैं। क्रिकेट की दुनिया से करीब दो दशक तक फिरकी के जादू से बल्लेबाजों को छकाने वाले दिग्गज मुथैया मुरलीधरन का आज जन्मदिन है। श्रीलंका के ये महान ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन 48 साल के हो गए हैं। टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट लेने वाले का और करिश्मा करने वाले मुरलीधरन के करियर में एक ऐसा वक्त आया जब लगा कि उनका सफर 80 विकेट से आगे नहीं बढ़ पाएगा। रामायण के बाद महाभारत का रिपीट टेलीकास्ट शुरू हो गया है। महाभारत के किरदार और इन्हें निभाने वाले कलाकार भी एक बार फिर से काफी चर्चा में आ गए हैं। महाभारत में गांधारी का किरदार निभाने वाली रेणुका मिश्रानी को वास्तविक पहचान गांधारी के किरदार से मिली थी। रेणुका ने महाभारत में गांधारी का रोल करने से पहले टीवी शो हम लोग में भी काम किया था। महाभारत की गांधारी का किरदार निभाने वाली रेणुका गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं।